हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन नमोकार गेमिंग वर्ल्ड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं मॉर्टल कॉम्बैट 1 के बीटा वर्जन का। अभी बीटा वर्जन सिर्फ वही लोग खेल सकते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं बता दूं कि इसका अलग से कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे टेकन 8 का भी बीटा आया था, तो इसमें क्या है कि आपको पहले गेम को प्री ऑर्डर कराना होगा, तभी आपको बीटा एक्सेस मिलेगा। तो जिन्होंने भी PS4 या PS5 पर कराया होगा, उन्हें इस चीज़ की जानकारी होगी। और इसकी वैसे आज लास्ट डेट है, तो अभी अगर आप प्री ऑर्डर कराएंगे भी तो उसका कुछ ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा नहीं। आप आज ही इस गेम को खेल पाएंगे, सिर्फ जो इसका बीटा वर्जन है। अब बीटा वर्जन का रिव्यू करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि ये गेम आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि बीटा वर्जन में इन्होंने यहाँ पर 6 कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराए हैं, और इसमें मेरा फेवरेट कैरेक्टर है ल्यू कैंग। तो ल्यू कैंग मैंने पहले भी खेला है, लेकिन इस बार बिल्कुल ही अलग कर दिया उसे। और यहाँ पर बहुत कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। अगर आप मॉर्टल कॉम्बैट 10 या मॉर्टल कॉम्बैट 11 अगर आपने खेली है, या आप इस सीरीज के फैन है, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, नई आपको बहुत सारी नई जानकारी आज मिलने वाली है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पहली मॉर्टल कॉम्बैट से ये गेम बिल्कुल अलग है, और वो इसलिए क्योंकि इस बार इन्होंने एक टैग वर्जन भी इंट्रोड्यूस कराया है। अब ये टैग वर्जन क्या होता है, जैसे आपने टेकन टैग 1, टेकन टैग 2 खेली होगी, तो उसके अंदर हम दो कैरेक्टर एक साथ ले सकते हैं, और अगर पहले की हेल्थ कम हो जाती है तो दूसरे कैरेक्टर को बुला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा अलग है। यहाँ पर कैरेक्टर एक ही रहेगा आपका प्राइमरी, जो कैरेक्टर आप चूज करेंगे, पर जो सेकेंडरी कैरेक्टर आप चूज करेंगे उसके अंदर आपको कुछ एबिलिटी वगैरह दी जाएंगी, लेकिन उसे आप सेकेंडरी प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। हेल्थ बार आपकी एक ही रहेगी, तो प्राइमरी कैरेक्टर से ही आपको खेलना है, लेकिन वो बीच बीच में आपकी हेल्प करता रहेगा, जो आपका सेकेंडरी कैरेक्टर होगा। और उसके लिए उन्होंने यहाँ पर स्पेशल बटन दिया है L2। L2 से उसकी जो हेल्थ बार है वो थोड़ी बढ़ती रहेगी, और वो बार बार बीच बीच में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई बार बार कॉम्बैट कर रहा है, आपको बार बार मार रहा है, या आपको लग रहा है कि आप उसका डिफेंस नहीं कर पा रहे, R1 से आप डिफेंस ढंग से नहीं कर पा रहे, तो आप L2 से यूज़ करके उसे बुला सकते हैं। तो वो बीच में अपनी कोई ना कोई हिट मारता रहेगा, उससे आप थोड़ा सा डिफेंड कर पाएंगे। दूसरी बात है, आप जब ग्रैब करेंगे कैरेक्टर को, जो आपका ओपोनेंट है, उसमें वो आपकी हेल्प करेगा। जो यहाँ पर L2 R2 वाली फेटेलिटी वाली जो पावर है, उसमें वो आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इस तरह से नहीं दी हैं, और जो आपकी गेम को और इंटरेस्टिंग बना देती है। मतलब मुझे तो खेलने में बहुत मज़ा आया। लेकिन अब इसमें मॉर्टल कॉम्बैट 10 और मॉर्टल कॉम्बैट 11 में जिन लोगों ने अपना हाथ सेट कर रखा था, जिन्हें बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, तो उन्हें थोड़ी सी स्टार्टिंग में दिक्कत आने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो आपने देखा होगा, जो मीटर है, जो पावर का मीटर होता है, रेस मीटर जो होता है, वो रेस पावर आपकी उस तरह से यूज़ नहीं होने वाली L2 R2 से, जैसे हम पहले यूज़ कर सकते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, वो टेकन वाला ही सिस्टम कर दिया। जब आपकी हेल्थ बिल्कुल कम हो जाएगी, तभी आप उसे यूज़ कर पाओगे। सेकेंडरी बात, R1 और 0 से प्रेस करके वो आपकी अब फेटेलिटी वाली पावर यूज़ होगी। ये मेरा चिन्नू मुन्नू आ गया। तो मॉर्टल कॉम्बैट इसने भी खेली है, तो मैं इससे भी बात कराना चाहूँगा आपकी। हाँ, मैं नुन्नू के भी माइक लगा देता हूँ, ये भी थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहेगा। आओ नुन्नू बाबू, इधर आओ, इधर आओ मेरे पास, इधर तो चींटियां उड़ रही हैं। अरे कोई बात नहीं, बैठ दो। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने मॉर्टल कॉम्बैट खेली अलग अलग मूव से, और उसमें लेफ्ट राइट डाउन डबाउस से जो था वो क्या होता है, फिनिशर, और मैंने फिनिशर मारा भी था, वो बात अलग है, लगा नहीं। तो मतलब ओवरऑल में तो बहुत मजा आया इस गेम को खेलने में, और आप लोग भी खेलेंगे तो आपको भी बहुत बढ़िया लगने वाली है और मजा आएगा। और मैं तो ये कहता हूँ, इस गेम को जरूर प्री ऑर्डर कराना चाहिए। अब अभी आप नहीं कराना चाहते तो उसी टाइम पर ले लीजिएगा, पर ये गेम सच में खेलने लायक है, बहुत मजा आने वाला है आपको। और अभी हमारे 3 कैरेक्टर बचते हैं, उसके बारे में भी हम आपको जल्दी इंट्रोड्यूस कराएंगे। और आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया गेम है और बहुत ही मजेदार है। अगर आप लाइव स्ट्रीम नहीं देखी कल वाली, तो देख लेना। नोनी और मैंने साथ में तो फाइट नहीं की, ओपोनेंट से लड़े, क्योंकि अब इसमें वर्सेस मोड अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपको टावर मिलेगा, एक ऑनलाइन मोड मिलेगा। वर्सेस होता तो सही में इनके मुंह पे लाल लाल यूं घूसों के निशान होते।